फिरोजाबाद के थाना मतसेना में कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला दरोगा घायल हो गई। जानकारी पर महिला थाना प्रभारी भी दलबल के साथ मौके पर पहुंची। घायल दरोगा को पुलिस की गाड़ी से आनंद फानन में सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया। जल्दबाजी में महिला थाना प्रभारी रंजना गुप्ता टीम के साथ मौके पर पहुंची। महिला थाना प्रभारी ने घायल दरोगा को गोद में उठाकर अंदर ले गई। जिसने भी यह नज़ारा देखा वो हैरान रह गया। मौके पर मौजूद लोग महिला थाना प्रभारी के कार्य की सराहना कर रहे थे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। 28 जुलाई को मॉर्निंग में महिला थाना में नियुक्त सब इंस्पेक्टर प्रीति राय अपनी स्कूटी से मुख्यालय की तरफ से फिरोजाबाद आ रही थी। उसी दौरान एक कार से उनकी टक्कर हुई जिसमें उनको चोटें आईं। तत्काल महिला थाना प्रभारी मौके पर पहुँच गई। उनके द्वारा ट्रामा सेंटर में उन्हें लाया गया। COCD भी मौके पर पहुँच गए थे और आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतीक्षा किए हुए महिला थाना प्रभारी रंजना गुप्ता द्वारा उन्हें अपनी गोद में उठा करके हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां पर उनका उपचार किया गया। उसके बाद शाम को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। महिला थाना प्रभारी द्वारा इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई, जिसके लिए हम लोगों उनकी सराहना करते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल में स्ट्रेचर उपलब्ध था या नहीं था इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।